आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वट आर दी सिग्निफिकेंट फिगर्स या किसी न्यूमेरिकल के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज किया जा सकता है तो वट आर दिग्निफिकेंट फिगर्स आर वर डिफरेंट वेज टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन क्वान्टिटी एंड वट आर दी डिफरेंट रूल्स फॉर द राउंडिंग ऑफ तो राउंडिंग ऑफ के डिफरेंट रूल्स क्या है वो सारी चीजें आज के लेक्चर में अभी हम डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ट टूडेज लेक्चर अबाउट द इनिशियली अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉलोड बाई द राउंडिंग ऑफ सो वट

स्वीट्स मेरे पास 4.2 केजी है तो 4.2 दिस ऑल न्यूमरल वैल्यूज इन एनी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द डिजिट माय हाइट इज 6 फीट तो 6 जो आपने यूज किया माय हाइट इज 5.10 5 फीट 10 इंच सो 5 फीट 10 इंच दैट इज द न्यूमरल वैल्यू माय वेट इज 75 केजी सो so 75 दैट इज द न्यूमरल वैल्यू मींस द एनी ऑफ द न्यूमरल वैल्यू जो ये वैल्यूज होती हैं व्हिच आर बीन यूज्ड इन एनी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज द डिजिट उसे आप डिजिट कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप हैंड में देखें वी हैव द फोर पेंसिल देखो वन टू थ्री फोर तो फोर क्या है दैट इज द न्यूमरल वैल्यू दैट इज द न्यूमरल वैल्यू दैट इज द डिजिट ये आपकी डिजिट कहलाती है आप नीचे देखें आपने पेंसिल को ब्रेक कर दिया उसके पास देखो फोर पीसेस बन गए टू बिग पीस टू स्मॉल पीसेस तो आपकी फोर बन गए तो फोर पीसेस मींस फोर क्या है दैट इज द न्यूमरल वैल्यू दैट कॉल्ड एज द डिजिट आप उसे डिजिट कहते हैं आपके पास देखो डिफरेंट है, देखो हैं आपने बनाना को कट किया उसके डिफरेंट बना दिए तो तो जो भी पीस बने टू पीस बन टेन पीस बन पीस बन गए 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 क्या है आप डिजिट्स कहते हैं उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टाइप ऑफ डिजिट डिजिट आपके कितने टाइप की हो सकती हैं डिजिट आपकी जो होती है सबसे पहले इसके एग्जाम्पल हम देख लें डिजिट कौन सी है जीरो से लेके तक दिस आर द डिजिट्स ये डिजिट अब इन डिजिट्स की हम टाइप देखेंगे कि इनको हम कैटेगराइज कितने तरीके से कर सकते हैं तो द डिजिट यहाँ पे जीरो दिखता है दैट इज द जीरो डिजिट और जो रिमेनिंग डिजिट

जीरो डिजिट वट आर दी नॉन जीरो डिजिट तो इनकी बारे में इंफॉर्मेशन हमें पहले ही ले लेने चाहिए इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले दी जा रही है बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपकी क्लासिफिकेशन अगर हम देखें डिजिट्स की दैट आर दर्टेन डिजिट और द नॉन सर्टेन डिजिट या अनसर्टेन डिजिट आखिर ये वर्ड हम करते ही। कब है यूज इन वर्ड्स को हम यूज करने से पहले आप देखें आप जब किसी भी शॉप के ऊपर जाते हैं जो डिजिटल वेइंग बैलेंस आपने देखी होगी चाहे आप अपनी वेइंग के लिए यूज कर रहे हैं अपना वेट देख रहे हो या आप कोई चीज परचेज करके लाते हैं स्वीट्स लेके आए तो जब आप उसको वे करते हैं वहां पे तोलते हैं तो उसके वक्त आपने देखा होगा डेसिमल भी आता है फॉर एग्जाम्पल ट्वेल्व पॉइंट आ गया किसी का वेट ट्वेल्व पॉइंट आ गया लेकिन आपने एक चीज का ध्यान दिया होगा वहां पे लास्ट डिजिट है ना फ्लक्चुएट करती रहती है आप उसको कहते हैं कि वो आपसे कई बार कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो उसे कहते हैं नहीं दिस इज नॉट नहीं है वेट इतना है क्योंकि लास्ट डिजिट गोइंग ऑन फ्लक्चुएटिंग वो फ्लक्चुएट करती जा रही होती है तो मीन्स ये जो वर्ड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखने जा रहे हैं दैट इज द सर्टेन डिजिट अनसर्टेन डिजिट दीज टू वर्ड कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन वी आर वेइंग वी आर वेइंग एनी ऑफ द थिंग In such a way that there is a decimal in that particular physical quantity. Physical quantity के अंदर decimal जरूर आना चाहिए, तब भी हम इन चीजों को यानि utilize कर पाएंगे. In definition को हम देख पाएंगे certain और uncertain digits को. तो देखो बेटा ध्यान से certain digit और second आएगी uncertain digit.

तो अब हमने क्या किया 16.166 था तो जो लास्ट डिजिट है उसे उसको छोड़ दें आप तो रिमेनिंग डिजिट क्या है आपकी सर्टेन डिजिट्स सो दैट डिजिट एक्सेप्टेबल बेटा कौन सी डिजिट एक्सेप्ट द लास्ट डिजिट ये आपको ध्यान रखना है इन एनी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डेसिमल ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हो जिसके अंदर डेसिमल आप

वो श्योर sure, वो हो सकता है वो ठीक हो, हो सकता है वो ठीक ना भी हो इसलिए तो हम उसको अनसर्टेन कह रहे हैं अब एग्जाम्पल से पहले आपको कुछ चीजें और बता दे जो लास्ट डिजिट होती है फिजिकल क्वांटिटी में वो हमेशा डाउटफुल होती है हमेशा डाउटफुल होती है वो करेक्ट हो भी सकते हैं करेक्ट ना भी हो इसलिए तो हम उसको अनसर्टेन डिजिट कहते हैं बिकॉज वी आर नॉट श्योर वेदर दैट लास्ट डिजिट इन द द क्वांटिटी हैविंग डेसिमल दैट लास्ट डिजिट इज करेक्ट और नॉट बिकॉज ऑफ दैट दैट इज कॉल्ड एज द डाउटफुल डिजिट और कॉल्ड एज द अनसर्टेन डिजिट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे फॉर एक्साम्पल इन फिगर दैट इजीन फोर फाइव एंड दोनों के अंदर आप देखेंगे फर्स्ट थ्री डिजिटी पॉइंट फोर देखो यहाँ तक the, ये डाउटफुल नहीं है बट द लास्ट डिजिट मीन जब आप वेइंग करते हैं कभी आपको फाइव दिखेगा कभी सिक्स दिखेगा कभी सेवन दिख सकता है लास्ट डिजिट आपकी फ्लक्चुएट ये करती रहती है तो दैट लास्ट डिजिट इज अनसर्टेन तो इसके अंदर आपकी जो सर्टेन डिजिट है वो कितनी है दीज आर थ्री

फोर सिक्स अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन तो उसके अंदर हम ये वर्ड यूज नहीं कर पाएंगे अनसर्टेन डिजिट वाला क्योंकि सारी डिजिट ही आपकी सर्टेन होगी तो आपसे ये पूछा जाए जैसे 20 है 25 है 35 है 125 है तो इसमें बताओ क्या कोई अनसर्टेन अनसर्टेन डिजिट 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 होगी होगी नो ऑल विल बी सर्टेन सर्टेन सारी सारी की सारी आपकी certain digit होगी. तो वर्ड को यूज करने के लिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हो जिसके अंदर डेसिमल होना जरूरी है इसलिए हमने हर एक डेफिनेशन के अंदर आप देखिए हमने लिखा है क्या लिखा है यहाँ पे हैविंग डेसिमल हमने लिखा है तो ये चीज आप भूले ना एग्जाम के अंदर नहीं तो आपका आंसर बेटा गलत हो सकता है

तो ट्वेंटी रुपीज के अंदर टू की भी अपनी सिग्निफिकेंस है और जो जीरो है उसकी भी अपनी सिग्निफिकेंस है तो इसके अंदर टोटल डिजिट्स कितनी है जिनकी अपनी सिग्निफिकेंस है दीज आर टू नंबर दीज आर टू नंबर दैट इज एंड जीरो तो देर आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स देर आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दैट क्वान्टिटी आप ये नहीं कहेंगे ट्वेंटी सिग्निफिकेंट फिगर्स ट्वेंटी तो एक वैल्यू है

दोनों डिजिट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है तो इसलिए आप इनको कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर हो गया अब नेक्स्ट देखें। पे पेंसिल हमने लिख दिया, तो इंपॉर्टेंस है फोर की तो फोर पेंसिल अगर हम यहाँ पे लिख देते बेटा फोर देखो ऐसे हमने लिख दिया फोर पेंसिल तो इसके अंदर एक ही डिजिट है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा कितनी होंगी इट हैज द वन सिग्निफिकेंट फिगर वह फोर पेंसिल हमने लिखा लेकिन एक चीज और ध्यान रखें जब हम सिंपल लिख देते हैं ना एक और देखो अभी हम बेसिक आपको बता रहे हैं एक पॉइंट ऐसा भी आने वाला है जब हम कहेंगे इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं देखो फोर पेंसिल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं फोर पॉइंट जीरो फोर पेंसिल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं फोर पॉइंट जीरो जीरो फोर पेंसिल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं फोर पॉइंट जीरो 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 एंड सो ऑन तो यहाँ पे बोलो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा कितनी थी पहले सिर्फ फोर लिखा था तो वन था लेकिन फोर को रिप्रेजेंट करने के वेज ये डिफरेंट हो सकते हैं मीन फोर पॉइंट जीरो इसके अंदर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4.00 इसके अंदर आप देखें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं नेक्स्ट में देखिए फोर पॉइंट देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो सकती है ऐसे ही जो ट्वेंटी रुपीज हमने लिखा था उसके अंदर आप देखें अगर सिर्फ ट्वेंटी लिख रखा हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अगर हम ट्वेंटी पॉइंट जीरो लिख दें तो इट हैज द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स इट हैज द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तो ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे हम ये देखेंगे वट आर द डिफरेंट रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कितने उसको डिटरमाइन करने के आखिर रूल क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमने अभी तक देखा डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स की तो सिग्निफिकेंट फिगर्स डिटरमाइन करते वक्त हमें सिर्फ क्या देखना होता है द टोटल ऑफ द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द फिजिकल क्वान्टिटी विच देयर ओन इम्पोर्टेंस और द सिग्निफिकेंस इज कॉल्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स अब हम नेक्स्ट देखेंगे बेटा रूल्स आर द नंबर ऑफ़ द सिग्निफिकेंट फिगर्स तो उसके अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहला रूल आता है किसी भी में भी होंगी, सभी की अपनी सिग्निफिकेंस होती है फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया थर्टी फोर पॉइंट टू फाइव इसके अंदर फोर डिजिट है थ्री इज द डिजिट फोर इज द डिजिट टू इज द डिजिट फाइविट देर आर दोटल फोर डिजिटल

अब क्या बोलेंगे 101 रुपीज. तो जीरो की अपनी सिग्निफिकेंस अगर हम जीरो को बीच में से हटा दें तो बेटा क्या बन जाएगा रुपीज इलेवन तो इसके अंदर तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स क्योंकि हम इसको रुपीज इलेवन बोल रहे हैं पहले वाली क्वांटिटी को रूपीज वन हंड्रेड वन बोला तो जीरो की वजह से इसको अपनी इंपोर्टेंस टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर है थ्री डिजिट है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स इन सिग्निफिकेंट वन हंड्रेड वन एंड देर आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द डिजिट दैट इज द रुपीज इलेवन और यहाँ पे जो हमने वन पॉइंट जीरो वन लिखा इसके अंदर भी जीरो

अंदर, आपने इसको ऐसे लिख दिया फाइव थ्री टू जीरो फिर डेसिमल लगाया फिर जीरो लिख दिया देखो वही चीज हमने डेसिमल की पोजिशन चेंज कर दी

आपने 53.200 लिखा फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स तो इट मीन कहने का मतलब में भी हमने लिख दिया द पोजिशन ऑफ द never चेंज डू नॉट चेंज द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही रहेंगे जैसे अभी आप आपने ऊपर example में देखा सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइव ही रहे but ever, the position of the डेसिमल क्लियर हो गया यहाँ पे दैट इज द पॉइंट नंबर three

ऐसा यूनिट लगा दी तो भी वो सिग्निफिकेंट है फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया फाइव थ्री टू जीरो जीरो मीटर आपने कोई डेसिमल नहीं लगाया ऑल दो दैट पर्टिकुलर क्वान्टिटी हेयर जीरो इज ऑल्सो द सिग्निफिकेंट जीरो की अपनी सिग्निफिकेंस है यहाँ पे तो बोलो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई दीज आर फाइव इन नंबर वो फाइव इसलिए हुई क्योंकि आपने बेटा लास्ट में यहाँ पे मीटर लगाया है मीटर सो so, मीटर लगा हुआ है ऐसा यूनिट है ये आपकी तो इसीलिए जीरो को काउंट किया जाएगा जीरो की अपनी सिग्निफिकेंस होगी तो इसीलिए यहाँ पे फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए लेकिन एक चीज और ध्यान रखें अगर आपकी कोई ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी दे रखी हो हो लेकिन वो सीजीएस यूनिट में 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 तो फिर आप क्या करेंगे उसको SI में करेंगे उसको पहले कन्वर्ट सो दैट इज नेक्स्ट पॉइंट जो नोट की फॉर्म हमने लिख दिया है मीस इफ द गिवन क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड इन द सीजीएस यूनिट अगर वो सीजीएस की फॉर्म में हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट आप उसे क्या करेंगे बेटा कन्वर्ट करेंगे उसमें किस चीज के अंदर एसआई SI यूनिट के अंदर बिफोर काउंटिंग द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया फाइव थ्री टू जीरो जीरो सेंटीमीटर लिख दिया आप जानते हैं वन मीटर के अंदर हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं तो आप इसको हंड्रेड से डिवाइड कर देंगे तो मीटर कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपने इसको जैसे ही हंड्रेड से डिवाइड किया तो डिवाइड करते ही साथ बेटा क्या बन गए तो आपको तो ये लगता है ना बेटा इसमें फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे लेकिन इसमें फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर था ना तो देट आंसर विल बी रॉन्ग ये आपका आंसर बेटा रॉन्ग है फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें नहीं होंगी इसको पहले आप हंड्रेड से डिवाइड करें तो जैसे ही आप इसको हंड्रेड से बेटा देखो डिवाइड करेंगे तो टू जीरो कैंसिल हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा फाइव थ्री टू मीटर

इसके बाद बेटा नेक्स्ट रूल आता है ऑल द जीरो डिजिट विच आर प्रेजेंट आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट विदाउट द डेसिमल पॉइंट एट द एंड मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर्स इसका मतलब क्या है जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया फाइव थ्री टू जीरो जीरो अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है क्योंकि इसमें कोई डेसिमल भी आपने नहीं लगाया कहीं पर भी साथ के साथ इसके लास्ट में आपने कोई आपकी ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट यूनिट भी आपने नहीं लिखी SI होती तो डायरेक्ट आंसर आ जाता सीजीएस होती तो आप उसको SI में कन्वर्ट कर देते Means आपने कोई भी नहीं लिखी तो अब क्या करें मींस अब आपका फाइव थ्री टू जीरो जीरो इसके अंदर डिफरेंट आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती है क्योंकि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इट कैन बी रिटर्न इन द मेनी वेज फॉर एक्साम्पल आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फाइव थ्री टू जीरो जीरो मल्टीप्लाइड बाई टेन की पावर जीरो पावर जीरो इज वन 10 की की पावर पावर तो 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 इसके अंदर तो देखो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई. अगर इसको हम ऐसे भी वो वही सेम चीज है. लेकिन जो ये आपकी एक्सपोनेंशियल टर्म्स होती है ये नेक्स्ट रूल भी अभी हम आपको बताएंगे एक्सपोनेंशियल टर्म्स फिगर्स नहीं होती तो बच गई कितनी फाइव थ्री टू जीरो तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई ओनली फोर अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें फाइव थर्टी टू मल्टीप्लाइड भी नहीं लिखी है देखो तो इट हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स क्योंकि ये टर्म है और एक्सपोनशियल टर्म की कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती तो फाइव थर्टी टू मीन थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स नेक्स्ट अगला पॉइंट यही हमने लिख दिया था एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैव नो सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 10 की पावर 23 तो आप कहेंगे गई जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स

क्योंकि इनके के हो सकते हैं। example, आप टू को कैसे लिख सकते हो देखो ये जो हमने लिखा था। है हमारे पास। को आप कैसे लिख सकते, हो? आप इसको भी लिख सकते हैं ट्वेंटी पॉइंट जीरो 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 भी जीरो चले जाए जितनी जीरो लगाएंगे उतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे क्योंकि आपने साथ के साथ बेटा देखो यहाँ पे डेसिमल भी लगा दिया बेटा क्या लगा दिया डेसिमल तो 2 को आपने लिखा टू टू को आपने फॉर एग्जांपल कैसे लिख दिया 2.0 टू को बेटा आपने लिख दिया 2.00 टू को बेटा आपने लिख दिया 2.000 तो 2.0 लिखा तो इसमें टू और जीरो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 2.00 लिखा बेटा इसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 2. जीरो 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 लिख दिया इसके अंदर फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए एंड कितनी भी जीरो लगा सकते हैं हमने कहा इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होती है तो जो एक्जेक्ट नंबर ऑफ टू बोल्स ट्वेंटी एक्स जैसे अब यहाँ पे हमने लिख के दिया दे हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स तो ये अगला रूल भी आप अच्छे से याद करेंगे इसको ध्यान रखेंगे क्लियर हो गया इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है वो है रूल्स रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स ड्यूरिंग एडिशन एंड द एंडा आपको ये ध्यान रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक कॉमन रूल है ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और द डिवीजन का एक अलग रूल है मान लीजिए आपको दो क्वांटिटी दे दी और कह दिया कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करें उनको आपस में डिवाइड करें उनको आपस में ऐड करें उनको आपस में सब्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसको डिटरमाइन करने के रूल्स अभी हम देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट इज द रूल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स ड्यूरिंग एडिशन एडिशन और और देखेंगे क्योंकि तो के रूल एक जैसे हैं तो उसका रूल है क्या अब वो देखते हैं बेटा आफ्टर द एडिशन और द सब्ट्रेक्शन ऑफ द सर्टेन नंबर मान लीजिए आपको कोई नंबर दे दिए दिस प्लस दिस करें एडिशन के बाद आपका कोई रिजल्ट आ गया तो आफ्टर द एडिशन और द सब्ट्रक्शन ऑफ द सर्टेन नंबर्स द रिजल्टेंट नंबर के अंदर आपको क्या देखना है द रिजल्टेंट नंबर के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें रखनी है उसका रूल है ये तो द रिजल्टेंट नंबर बेटा ये ध्यान रखिए हम बात बता रहे हैं यहाँ पे रिजल्टेंट नंबर की द रिजल्टेंट नंबर शुड हैव द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल अमंग द गिवन क्वांटिटीज व्हिच आर बीइंग एडेड और द जैसे फॉर एग्जांपल फॉर 5.43 हमने लिखा

तो एड जब आपने किया देखो ऐड करते तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना आपको ऐसा नहीं करना कि आप अपनी मर्जी से टू के आगे बेटा चलो जीरो लगा देते हैं ऐड करने में हमारी आसानी हो जाएगी नो ऐसा काम कभी ना करें ये काम बेटा आपको नहीं करना इमेजिन करके रखें कि पे कुछ भी नहीं है देर इज नथिंग लेकिन आप जीरो ना लगाएं जीरो आंसर ही तो गलत तो टू टू तो फिर फिर तो आ जाएगा तो ये चीज आप ध्यान रखें अपनी मर्जी से आपको कुछ भी नहीं करना जो हैं, उनको एस सच रखें तो आप आपने एड किया तो देखो क्या करेंगे आपका ये बेटा आंसर आ गया थ्री फोर टू सिक्स थ्री एट तो 188.63 आपका आ गया अब आपको कितनी मेंटेन रखनी है ये आपका रिजल्ट आ गया बेटा रिजल्ट के अंदर आफ्टर द डेसिमल बेटा कितनी डिजिट आपको यहाँ पे दिख रही है इसमें तो टू दिख रही है लेकिन रूल क्या कहता है कि आफ्टर द एडिशन और द सब ऑफ द गिवन नंबर्स, जो गिवन नंबर थे बेटा जो सर्टेन नंबर गिवन थे वो कौन थे दैट इज द फाइव और वन 83.2. These are the certain numbers. इनको आपने आपस में बेटा क्या किया यहाँ पे आपने ऐड किया है ऐड करने के बाद अब ध्यान क्या रखना है आपको ध्यान ये रखना है द रिजल्टेंट नंबर रिजल्टेंट नंबर तो बेटा देखो ये आपका आ गया ये जो रिजल्टेंट नंबर है अब रिजल्टेंट नंबर में आपको क्या देखना है द द रिजल्टेंट नंबर मस्ट लीस्ट नंबर ऑफ द डिजिट आफ्टर द डेसिमल डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर रखने है यहाँ पे लीस्ट का मतलब कहाँ पे कौन से लीस्ट गिवन क्वांटिटीज के अंदर देखें गिवन क्वांटिटी के अंदर कितने कितने थे इसमें टू डिजिट्स थे इसमें वन थे तो लिस्ट कौन सा हुआ वन डिजिट तो आपको वन ही रखना है आपको यहाँ पे तो अभी तो टू डिजिट्स हैं लेकिन टू नहीं रखनी वन रखनी है तो राउंडिंग ऑफ प्रोसेस चलेगी आपकी तो मीन्स एक डिजिट को देखो कैंसिल कर दे हटा दे यहाँ से तो आपका आंसर बेटा कितना आ गया 188.6 लेकिन 188.6 ही क्यों आया ये हम आपको सिखाएंगे राउंडिंग ऑफ में तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बेटा 188.6 तो 188.63 था जो आपका इसमें हमें एक ही डिजिट रखनी थी तो एक डिजिट जो रखनी थी ना आपको 60 तक रखना था यहां तक आपको मेंटेन रखना है सो दैट इज कॉल्ड एज द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट बेटा इसको लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट कहते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल

इसको सिर्फ हटा दें इसको सिर्फ डिलीट कर दें इसको रिमूव कर दें फिर आपका था और यही आपको अब किस में भी याद रखना है के तो रूल विल रिमेन द सेम हो गया बेटा यहाँ तक इसके बाद नेक्स्ट अब हम रूल देखेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के दौरान क्या रूल होता है और ये सेम पेज पे इसलिए आपको करवा रहे हैं ताकि आपको कंपैरिजन हो जाए Addition, subtraction में फिर आपने आपने क्या ध्यान रखा था थी तो थी उसमें decimal के बाद की लेकिन आपके डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहे हैं हमें डेसिमल के बाद नहीं देखनी हमें टोटल डिजिट्स देख लेनी है दोनों के अंदर अब देखो बताते हैं रूल मीन आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन और द डिविजन द सर्टेन नंबर्स जो दो नंबर हैं जिनको आप आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे हमें उसमें क्या करना है द रिजल्टेंट नंबर जो फाइनल आपका आंसर आएगा डिवीजन के बाद या मल्टीप्लीकेशन के बाद उसमें हमें क्या देखना है हमें देखना है द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट अमंगी जो भी दो क्वांटिटी है उसमें आप टोटल नंबर ऑफ डिजिट गिने फिर कम देखो कम किसमें है आंसर में वो कम वाला आंसर ही आपको मेंटेन रखना है यहाँ पे डेसिमल वगैरह का कोई वो नहीं हमें ये नहीं देखना कि जैसे ऊपर आपने देखा था डेसिमल के बाद इसमें है, इसमें है वन हमें ऐसा नहीं देखना हमें ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ डिजिट देखनी है फॉर एग्जांपल अगर ये दो क्वांटिटी जो जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर दे रखी थी अगर मान लीजिए मैं इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर देता इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देते हम तो फिर क्या करते आप इसमें टोटल डिजिट गिनते बेटा टोटल डिजिट इसमें कितनी है आर रहा थ्री डिजिट देखो थ्री डिजिट है टोटल इसमें बेटा टोटल कितनी है टोटल है बेटा इसमें फोर डिजिट तो जब आप इनको मल्टी multi, ये मल्टीप्लाई का साइन है बेटा कभी आप सोचो मैंने एक काटा लगा दिया नो no. अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते फिर जो आपका यहां पे आता, जो भी थ्री डिजिट रखनी है रिमेनिंग क्या कर देंगे उनको आप हटा देंगे बाय द राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर अब देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं फॉर एग्जांपल हंड्रेड पॉइंट वन इज द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इसके अंदर फोर सिग्निफिकेंट फिगर है टोटल Second, हमने ले ली 1.01 इसको मल्टीप्लाई करें इसके अंदर कितनी वन आर दी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स इनको हमने मल्टीप्लाई किया वन जीरो आंसर लेकिन दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दैट रूल क्यों क्योंकि रूल ने क्या कहा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ सर्टेन दीज टू नंबर आपने मल्टीप्लाई किया

और इन थ्री कॉम क्या कर देंगे बेटा इनको आप रिमूव कर देंगे तो योर आंसर विल बी द 101 योर आंसर विल बी द 101 यहाँ पे आपके जो लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट है बेटा क्योंकि हमें थ्री ही रखनी है फाइनल आंसर के अंदर कितनी रखनी है बेटा थ्री। क्योंकि बिकॉज़ दीस आर दी लीस्ट नंबर तो यहां पे बेटा जो 101 के अंदर देखो ये हमें मेंटेन रखनी है देखो इतनी इसके अंदर 101 के अंदर जो ये है दैट इज द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट ये लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट है आपकी आपसे कई बार एग्जाम वन तो लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट कौन होता दैट इज अ टू तो उसके बारे में ऐसा करके भी आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है राउंडिंग ऑफ वो प्रोसीजर होगा अभी हम उसी के बारे में आपको नेक्स्ट बताने वाले हैं तो नेक्स्ट हेडिंग नाउ इज द राउंडिंग ऑफ क्योंकि आपने देखा कि राउंडिंग ऑफ जो वर्ड है इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है राउंडिंग ऑफ की जरूरत हमें कितनी ज्यादा पड़ती है एडिशन के दौरान सब्ट्रैक्शन के दौरान आपकी मल्टीप्लीकेशन डिविजन कोई भी आप प्रोसीजर कर रहे हो ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसीजर सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन

करते ही कब है किन क्वांटिटीज के अंदर कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं में कर सकते हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज में कर सकते हैं जिन क्वांटिटीज के अंदर आपको डेसिमल दिखाई देगा बेटा आप ऐसी किसी भी क्वांटिटी का राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे जिसके अंदर डेसिमल ना हो क्योंकि वो तो बेटा एक्जेक्ट क्वान्टिटीज हो गई उनके अंदर तो कोई डेसिमल नहीं है आप जब वेइंग करने के लिए जाते हैं तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट ही तो फ्लक्चुएट करते हैं उससे पहले वाले तो फ्लक्चुएट नहीं करते ना तो इसलिए आपको ध्यान रखना है राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर कैन बी अडोप्टेड ओनली फॉर दोल क्वानिटीज विच है डेसिमल इन इट उसके अंदर आपको डेसिमल दिखना चाहिए डेसिमल नहीं है तो यू कैन नेवर दैट प्रोसीजर दैट इज ऑफ राउंडिंग ऑफ तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे तो राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर कैन बी यूज ओनली अमंग द थ्री सिग्निट फिगर इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंडिंग ऑफ कर दे एग्जाम में जाएगा तो बताओ आंसर क्या होगा तो आपने सिर्फ थ्री को मेंटेन रखना है थ्री को इनको हटा देना है हटाने के बाद आंसर क्या आएगा हो सकता है 101 आ आ जाए जाए हो सकता है 102 लेकिन वो जो भी आएगा उसके कुछ रूल है वो रूल अभी हम आपको बताएंगे लेकिन फिलहाल जैसे यहां पे राउंडिंग ऑफ इसमें पॉसिबल है पहली बात तो ये है पॉसिबल बोलो पॉसिबल क्यों है क्योंकि आपको यहाँ डेसिमल दिख गया बेटा क्या है यहाँ पे डेसिमल तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वेदर द राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर इज पॉसिबल इन दैट गिवन फिजिकल क्वान्टिटी और नॉट आप कहेंगे इट इज पॉसिबल क्योंकि इसके अंदर डेसिमल है तो रीजन भी पूछ लें तो आप क्या लिखेंगे बिकॉज इट इज पॉसिबल

राउंडिंग ऑफ इज नॉट पॉसिबल इन दैट गिवन क्वांटिटी इसके अंदर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेंगे आप इसको टू में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल राउंडिंग ऑफ कर दें वन जीरो नो हम नहीं कर सकते इसको क्योंकि इसमें कोई डेसिमल नहीं है राउंडिंग ऑफ इज नॉट पॉसिबल उसके बाद अब हम रूल्स देखते हैं बेटा राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या क्या है तो रूल्स डिफरेंट है आपके फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रूल इफ द डिजिट प्रेजेंट आफ्टर द रिक्वायर्ड डिजिट Is more than तो, हम क्या करें? तो फिर हम क्या करेंगे मेनटेन करनी है क्योंकि अभी तो बेटा इसमें फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना आपको दिख रही है लेकिन हमें इसके अंदर राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर को चलाना है एग्जाम में आ गया क्वेश्चन आपके किस को इसके अंदर राउंडिंग ऑफ करें

बेटा क्या ऐड कर दें वन और वन ऐड करने के बाद बेटा आपका आंसर क्या आ गया एट पॉइंट सेवन टू था ना बेटा तो टू में वन ऐड कर दिया था बेटा क्या बन गया थ्री सो दैट इज विल बी योर फाइनल आंसर तो अगर हमें राउंडिंग ऑफ करनी है और इस क्वांटिटी की करनी थी जैसे फॉर एग्जांपल 8.729 और इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि अब इसके अंदर बेटा कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इट हैज द द्री सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर अब थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है तो कैसे किया आपने ये तो लास्ट रिक्वायर डिजिट को आपने देखा

आ गया समझ में अब देखो इसको हम टाइपिंग फॉर्म में आपके सामने बेटा लिख देते हैं देखो आंसर क्या आपका क्या आ गया इट विल गिव द 8.73 8.73 बेटा क्यों आया वो इसलिए आया बेटा ध्यान से देखें बिकॉज द डिजिट आफ्टर द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट इज मोर देन 5 दैट इज द 9 अयर जो यहां पे बेटा 9 थी क्लियर हो गया ना सो दैट इज द रूल नंबर 1 अब आपको अच्छे से ये याद हो गया होगा कि राउंडिंग ऑफ के दौरान जो सबसे मेन चीज थी वो क्या रखनी पड़ती है लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट को पहचाने और लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट से नेक्स्ट डिजिट को देखें और जो नेक्स्ट डिजिट है अगर वो ग्रेटर देन फाइव है तो लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट में वन ऐड कर दें अब देखो आपको यहाँ पे दिखाते हैं आप ध्यान से देखें हमें लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट है यहाँ पे देखो जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट था आपको ये डिलीट करनी है देखो ये हटानी है तो कैसे करें जो लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट है वो फाइव हो गया और ये नेक्स्ट डिजिट जो थी बेटा एट दैट इज ग्रेटर देन देखो फाइव है तो लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट में देखो वन ऐड कर दिया आंसर विल बी जीरो क्लियर हो गया फिर से देखें आपके क्या करना है इसको राउंडिंग ऑफ करना है कैसे राउंडिंग ऑफ करना है 0.5 तक देखो यहां तक तो वो नेक्स्ट डिजिट आपकी 8 है तो ग्रेटर देन फाइव, तो हमने क्या किया उसको हटा दिया और 0.5 5 के अंदर आपने 1 ऐड कर दिया तो आंसर विल बी 0.6 तो आंसर बेटा क्या आ गया 0.6 क्लियर हो गया या कई बार हम ये कह सकते हैं देखो अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं उससे पहले, five, तो आपको कोई चेंज नहीं करना चेंज यूज नो चेंज इन द लास्ट रिक्वायर डिजिट द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट रिमेन अनचेंज फॉर एग्जाम्पल अगर हमें देखो वही लिखा 8.723 वैसे तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे इट हैज द Four significant figures. बेटा इसमें कितने हैं? इसके अंदर है. अब इसको rounding off करना है। किस से करो, करें इसको राउंडिंग अंदर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स ही बचने चाहिए मतलब एट पॉइंट सेवन टू तक मीन जो लास्ट डिजिट है दैट इज द लास्ट रिक्वायर्ड बेटा इसमें कौन हो गया दैट इज द टू दैट इज द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट

Required digit से अगली जो है वो equal to five हो तो क्या करें वो equal to 50 हो तो क्या करें? Equal to 500 है तो क्या करें? करें? है तो तो फिर उस वक्त हमें क्या देखना है बड़े दे ध्यान से देखना बेटा एड वन इफ द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट एड वन इन द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट इफ इट इज ऑर्ड देखो जैक से एग्जाम्पल हमने लिया फॉर एक्साम्पल हम राउंडिंग ऑफ करना चाहते हैं को तो इसके अंदर और अप टू दी सिग्निफिकेंट फिगर ही करना चाहते हैं तो सेवन पॉइंट वन सेवन फाइव के अंदर तो बेटा देखो आपके फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें है ना बेटा फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स लेकिन इसको हमें राउंडिंग ऑफ इस टाइप से करना है कि इसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स बच जाए तो वो कैसे बचेंगे सेवन पॉइंट वन सेवन तो यहाँ पे सेवन तो बेटा क्या हो गया दैट सेवन हेयर इज द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट ये बेटा आपकी लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट है required, लास्ट रिक्वायर डिजिट से अगली डिजिट को देखो ये क्या है ये इज इक्वल टू है तो नाउ दैट इज द रूल अगर लास्ट डिजिट से अगले डिजिट अगर फाइव हो तो क्या करें सिर्फ दोबारा से लास्ट डिजिट को देखें इफ दैट लास्ट डिजिट इज ओड यहाँ पे आप देखें लास्ट डिजिट आपकी सेवन है नाउ इट इज ओड इन नंबर ये ओड है आपको पता है ना वन थ्री फाइव सेवन नाइन ओड नंबर तो यहाँ पे सेवन भी आपका ओड है ओड है तो लास्ट इक्वाय डिजिट में बेटा वन एड कर दे वन एड कर हम दे, कर देंगे अब आपका आंसर क्या आ जाएगा

ज इन द लास्ट रिक्वायर डिजिट इफ इट इज इवन इफ इट इज इवन लास्ट डिजिट अगर इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं करना देखो फॉर एग्जांपल हमें 7.185 है इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स तो बेटा आप उसी टाइप से देखें इसके अंदर तो बेटा फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया कि इसको राउंडिंग ऑफ करें इसके अंदर और इस टाइप से करें कि इसके अंदर फाइनल जो रिजल्ट है उसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए तो थ्री मेंटेन मेंन एट तो जो एट हमने ब्लू कलर से लिखा है

को डिटरमाइन करने के उसके दौरान आपने देखा कई बार हमें राउंडिंग ऑफ करना पड़ जाता है तो राउंडिंग ऑफ है क्या उसको राउंडिंग ऑफ करने के प्रोसीजर क्या है तो ये सारी चीजें बेटा हमने आज के लेक्चर में सीखी सो थैंक यू दैट ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर थैंक यू